हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी और ये गेम विश्वनाथन आनंद और विक्टर बोलोगोन के बीच खेली गई थी स्पार्क्सन चेस मीटिंग 2003 डॉर्टमंड में। इस गेम में आनंद की ब्रिलियंस नज़र आती है कि किसी भी टाइट सिचुएशन से कैसे निकला जाता है, ये आनंद बखूबी जानते हैं। तो आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। आनंद ने वाइट पीसेस के साथ शुरुआत करते हुए शुरू किया e4, c6, कारोकान डिफेंस, d4, d5, नाइट c3, d takes e4, knight takes e4, knight d7, knight g5, knight f6, bishop f1, e6, knight f3, bishop d6। ब्लैक गेम को कार्पोव वेरिएशन की तरफ ले गया। queen e2, h6, नाइट को यहाँ से हटाते हुए knight e4, knight takes e4, queen takes e4, queen d8, white castles, b6, queen g4। यहाँ आनंद ब्लैक के ऊपर प्रेशर बनाते हुए कि वो किंग साइड पर अपना कुछ करे। g5, queen h3, rook h8। वाइट इस प्रिपरेशन में ये अपने जी पॉन को आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी आनंद करते हैं rook e1। यहाँ अगर आनंद इस एच पॉन को लेने की कोशिश करते तो जैसे queen takes h6, फिर bishop f8, queen h7, knight f6, queen h3, g4, और यहाँ एक पीस आनंद को गंवाना पड़ता, लेकिन गेम में कुछ और ही हुआ। आइए उसे देखते हैं। rook e1, ब्लैक ने किया bishop f8। यहाँ अगर ब्लैक g4 करता तो गेम वाइट के लिए फेवरेबल हो जाती। दिखने में यहाँ ऐसा लग रहा है कि वाइट ने अपना एक पीस गवा दिया है, लेकिन एक्चुअल में उल्टा होगा। queen takes h6, g takes f3, rook takes e6 चेक, f takes e6, queen takes e6 चेक, और रुक पर अटैक बनाया king f8, bishop h6 चेक, rook g7, bishop takes g7 चेक, king takes g7, queen g6 चेक, king f8, bishop c4, f7 स्क्वायर पर चेकमेट की थ्रेट देते हुए। यहाँ नाइट बीच में नहीं आ सकता क्योंकि नाइट मुफ्त में गंवाना पड़ेगा। ब्लैक करता bishop takes h2 चेक, king h1, f takes g2 चेक, king takes g2, knight e5, d takes e5, queen g7, क्वीन ट्रेड करने के लिए queen takes g7 चेक, king takes g7, king takes h2, और ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत फेवरेबल होगी। इसके दो कनेक्टेड पॉन्स पासर बन चुके हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पर जो गेम में हुआ उसे देखते हैं। bishop f8, ब्लैक ने अपना h6 पॉन प्रोटेक्ट किया, वाइट ने यहाँ चला queen f5, bishop f8, h4, king f8, क्वीन अब थ्रेट पर है, queen h3, rook h8, h takes g5, h takes g5, queen g4। यहाँ आनंद ने ब्लैक को पूरी h फाइल ओपन दे दी। queen h2 स्क्वायर पर थ्रेट कर रहा है, बस ब्लैक को अब ये नाइट हटाना है। ऐसा रिस्की गेम सिर्फ आनंद ही खेल सकते हैं। ब्लैक ने किया c5, bishop takes g5, c takes d4, rook d1, bishop b7, और ब्लैक अपनी उसी स्ट्रेटजी पर वापस काम करना शुरू कर रहा है। यहाँ आनंद ने बहुत ही सरप्राइजिंग मूव चला, rook takes e6, अपना रुक सेक्रीफाइस कर दिया, f takes e6। आनंद ने e6 पॉन को ना लेकर के कुछ और ही आइडिया के साथ गेम को खेला, bishop e7 चेक, king takes e7। आनंद अब तक अपने दो पीसेस सेक्रीफाइस कर चुके हैं, queen takes g7 चेक, अपना एक पीस वापस लिया, king d6, knight takes d4। यहाँ किंग और क्वीन पर फॉक की तैयारी आनंद की। ब्लैक ने किया queen c5। आनंद फिर एक बार और सरप्राइज देते हुए bishop f5, गेम को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया।
यहाँ अगर विक्टर इस पॉन का लालच करते जैसे ई टेक्स एफ फाइव तो नाइट डी फोर चेक, किंग ई सिक्स, रुक टेक्स डी सेवन और अब ब्लैक यहाँ अपनी मेट नहीं बचा पाता। अगर यहाँ किंग सी सिक्स स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश करता तो सिंपल क्वीन टेक्स डी सेवन चेक एंड मेट जो गेम में हुआ हम उसे देखते हैं। ब्लैक ने किया क्वीन ई फाइव, आनंद को ऑफर दिया क्वीन ट्रेड करने का, लेकिन आनंद कुछ दूसरे ही आइडिया से खेल रहे हैं। नाइट एफ थ्री चेक, ब्लैक का किंग अगर इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ इसका ये तीन पॉन बैठे हैं जो इसको आराम से टैप करके घेर कर इसको मेट कर देंगे। ब्लैक के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन थी अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करने की। ब्लैक ने किया क्वीन डी फाइव, क्वीन जी थ्री चेक, किंग ई सेवन, रूक टेक्स डी फाइव, बिशप टेक्स डी फाइव, क्वीन जी फाइव चेक, किंग डी सिक्स, क्वीन एफ फोर चेक, किंग ई सेवन, बिशप ई फोर, रुक एच एट। आनंद ने किया नाइट एच फोर, रुक जी एट, नाइट जी फोर चेक, किंग डी एट, किंग एफ सेवन, रुक पर अटैक, रुक ई एट, बिशप डी थ्री और यहाँ विक्टर ने रिज़ाइन कर दिया। सो होपफुली गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।